May I now request Dr. S. K. Sarin, Vice Chancellor, Institute of Liver and Biliary Sciences, Delhi, to address the August gathering. I thank Almighty God, my teachers, my late parents, for having made me see this day. May other उपराष्ट्रपति जी का संसद के सभापति श्री बिरला जी का मंडाविया साहब का हरिवंश जी का हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और सेक्रेटरी जनरल साहब का हमारे आईएलबीएस के चेयरमैन श्री नरेश कुमार जी चीफ सेक्रेटरी का और बाकी सारे सांसदों का बहुत अभिनंदन करता हूँ बिरला साहब चार साल से अपने आप इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लेके हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं मैं अपने व्याख्यान को दो भागों में बांटूंगा और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा समय लिवर को दे दें दस मिनट और शायद मेरा मिशन सफल हो जाए अगर आप देखें तो ये राइट जगह पे राइट ऑर्गन है हाथ लगा के देखिए आपका लिवर है कि नहीं है सब सबका लिवर उसके दो भाग हैं एक बड़ा राइट लोब है और एक लेफ्ट लोब है इसलिए बता रहा हूँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी सर आपका जितना पाचन है जो इम्यूनिटी है जो कहते हैं साहब इम्यूनिटी बढ़ाना वो लिवर से ही बढ़ेगी सुबह उठें लोग कहें पड़ोसी के साहब इनका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है तो लीवर के ही कारण है टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ ओनली बिकॉज ऑफ लिवर भारत में पुराने आयुर्वेदा में सबसे ज़्यादा महत्व अग्नि बाइल पित्त को दिया जाता था ये लिवर से ही बनता ये एक सेकेंड सर्कुलेशन एक ब्लड का सर्कुलेशन है और एक बाइल का सर्कुलेशन है जो खाते हैं वो लिवर में जाता है वही सर्कुलेट करता है और ये आपका चार्टेड अकाउंटेंट है लिवर आपको रोज फाइल करना है कितना खाया कितना खर्चा अगर ज्यादा कमाया तो इनकम टैक्स बाद में देना पड़ता है हेल्थ टैक्स देना पड़ता है सर और सब लिवर में ही जमा होती है फैट आपके डिटॉक्सिफिकेशन जो दवाई खाएं शराब तो यहां कोई पीता नहीं मुझे पता है सर डिटॉक्सीफिकेशन ड्रग्स वगैरह जो है वो उसके कारण आपका जो ब्लड क्लॉट नहीं होए लोग सोचते हैं हिमाटोलोजिस्ट के जहाँ वो लिवर ही क्लॉटिंग बनाता है आपका सारा आयरन हीमोग्लोबिन पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको शायद नहीं अंदाज हो ब्लड शुगर लिवर कंट्रोल करता है आप सोचते हैं पेंक्रियास मैं आगे बताऊंगा याद रखें कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल और आपका शुगर दोनों लिवर से ही है आगे आप अपना नहीं पिछले चले आप अपना लिवर दे सकते हैं सर इसलिए मैंने लिवर के दो भाग बताए आप अगर देंगे जैसे बाल वापस आ जाते हैं चार हफ्ते में लिवर भी चार हफ्ते में नया तो यू कैन गिव योर लिवर आपका जिगर कभी बुजुर्ग नहीं होता इट नेवर गेट्स ओल्ड सारे ऑर्गन ओल्ड हो जाते हैं बाल है दांत हैं हड्डियां हैं पर लिवर कभी एज नहीं करता जिगर है सब हौसला जिगर में हो ना तो जिगर का मतलब ही हौसला है और दोस्ती है तो नेक्स्ट ये देखिए सबसे यंग हमारे यहाँ डोनर जो थे वो 18 महीने का था एक बच्ची और सबसे एल्डरली जिसने प्लेज किया कि मैं अपने ऑर्गन्स दूंगा अनफॉर्चुनेटली दिल्ली नहीं थे अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अवर चांसलर बॉज डॉक्टर कलाम साहब हु हैड प्लेज हिज ऑर्गन्स 80 साल पर भी वो लिवर उनका कमजोर नहीं था अच्छा आप लिवर को खराब क्या करता है बिल्कुल सिंपल तीन चीजें फैट अल्कोहल और वायरसेस नेक्स्ट मैं इसलिए बता रहा हूं कि साहब आपके माध्यम से यह पूरे कंट्री के अंदर मैसेज चला जाए आप देख रहे हैं जो काला है वो नॉर्मल लिवर है उसमें पांच प्रतिशत से कम फैट है 10 प्रतिशत फैट हो गई वो हुई कैसे ज्यादा खा लिया या आपके जीन्स हैं तो वो फैटी लिवर हो गया अब कहानी शुरू होती नेक्स्ट ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है शराब से या खुराक से लिवर अगर 10 प्रतिशत फैट हो गई तो क्या होगा वो आप जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं उस पिंक में आ, जो एक डब्बा सा बना हुआ है सबसे लेफ्ट में जो है वो सारे वाइट लिवर के सेल्स हैं जिसमें फैट है जो वाइट वाइट डॉट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट नॉर्मली इंसुलिन जाएगी और शुगर को कंट्रोल करेगी पर अगर लिवर में फैट है तो इंसुलिन जाएगी नहीं और शरीर इंसुलिन बनाएगा और बनाएगा और थोड़े दिन में पैंक्रियास खत्म हो जाएगा डायबिटीज हो जाएगी तो डायबिटीज तब होगी जब लिवर में फैट होगी नेक्स्ट और ये एक फंडामेंटल है हमारा सिग्नेचर है कि लिवर में फैट है उसके बाद जैसे भारत में 30 प्रतिशत में फैट है तो डायबिटीज 10 प्रतिशत लोगों में है नेक्स्ट अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसको आप आप ब्लड टेस्ट कराने जाएं जैसे बिरला साहब ने वहाँ कैंप अभी लगाया आपको पता लगा मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा ली ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है उसकी खाली पर वो आया कहाँ से वो लिवर में अगर फैट ज़्यादा है तो आपके ब्लड में जाएगी तो एनी बडी हु कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड मीन्स फैट इन द लिवर वो फैट जाएगी आर्टरीज में जमा होगी आपके बॉडी के हर पार्ट में जमा होगी गॉल ब्लैडर में स्टोन हार्ट डिजीज ये सारे उसी के भागे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक जर्नी हर व्यक्ति भुगत रहा है जा रहा है और ये फैटी लिवर डिजीज इज द क्रक्स नेक्स्ट फीस तो सेंट्रल थॉट इज लिवर फैट प्रिस इट फ्लेम्स डायबिटीज ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज एंड ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सो लेट अस सी अगर भारत में डायबिटीज कम करनी है और आप सब इस पे प्रयास कर रहे हैं अगर भारत में आपके इलाके में कि साहब किसी को ब्रेन का स्ट्रोक नहीं हो किडनी नहीं हो हार्ट डिजीज नहीं हो तो कोर क्या है उसका फैटी लिवर है और कैंसर्स नहीं हो अच्छा कोई खराटे ले रहा हो लोग कहते हैं साहब दूसरे कमरे में सो जाओ <laughs> वो साहब खराटे ले रहा है या ले रही सबसे पहले चेक कराएं खराटे लेने वाले का एक मेजर कारण लिवर की फैट है गॉल ब्लैडर का स्टोन कैंसर हार्ट डिजीज तो द कोर इज अगर आप रिड्यूस करें लिवर फैट सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कम हो सकती है नेक्स्ट ये जो लाल है इसका मतलब है तीस प्रतिशत एक कंट्री के अंदर फैटी लिवर है और आप देखें भारत लाल में है नेक्स्ट तो अगर एक में से चार में से एक को फैटी लिवर है और आप एस्टिमेट करें तो लगभग पच्चीस करोड़ लोगों में ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाऊं साहब 25 करोड़ में ये बिगेस्ट एपिडेमिक है सर जो कि करेंटली है और ग्लोबली है इस पे अगर हम प्रयास रखें नेक्स्ट प्लीज सर अब आप सब होंगे मेरे है कि नहीं है सबके मन में और सुरेंद्र भाई के मन में तो पक्का है कि साहब मेरे लिवर में फैट है या नहीं है और अगर है तो चिंता करो और कैसे इसको फिक्स करो सर नेक्स्ट तो सर ये सेल्फ टेस्ट है आप अभी ख़त्म कर सकते हैं इसको आपका अभी किसी डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं अगर किसी के परिवार में माता पिता भाई बहन या दादा दादी नाना नानी किसी को भी इन दस में से एक चीज़ है ओबेसिटी है डायबिटीज़ है बीपी है हार्ट किडनी या लिवर की है बीमारी गॉल ब्लैडर की पथरी, कैंसर या खराटे ले रहा, या लेडीज़ में बच्चों में ओवरी, तो इन लोगों में या आप सफ़र कर रहे हैं तो फैटी लिवर इससे सिंपल तरी और ये भारत के प्रोग्राम में है साहब कि ये दस तरह के लोग गांव की आशा वर्कर हिस्ट्री लेके पूछ सकती है भाई तुम्हारे यहाँ ये थी तो आगे जाओ अब सुबह मुझसे दो तीन बहुत माननीय लोगों ने पूछा मेरा वजन कितना होना चाहिए ये सिंपल फार्मूला है साहब जितनी आपकी हाइट है उसमें से सौ घटा दें अगर एक है सौ घटा दें तो वजन सत्तर होना चाहिए और अगर महिला है तो 105 घटा दें अगर इससे ऊपर है तो लिवर में फैट है डॉक्टर की जरूरत नहीं खुद ही घर बैठे कर सकते और एक सिंपल ब्लड टेस्ट है एस सबको हीमोग्लोबिन पता है पर अगर एस जी टेस्ट 30 से ऊपर है तो लिवर में फैट है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड सब में नेक्स्ट प्लीज अब आप कैसे ठीक होंगे सर बहुत आसान टिप्स हैं कि हमारी वेस्ट मेल्स की लेस देन 90 फीमेल्स की लेस देन 80 सो डोंट फिट जींस ऑन टू यू फिट इन टू जीन्स टीच योर टेलर आपने दर्जियों को सिखा दिया अपने बच्चों को सिखा दिया आधा काम हो गया सब दर्जी पैंट बनाएगा ही नहीं आपकी जब तक ये वेस्ट नहीं होगी नेक्स्ट आप अपने नाई को सिखा दीजिए नाई अगर आपके बाल काट रहा है और गर्दन पे ये काले निशान है या आपके तिल है मस्से हैं लिवर में फैट चेक कराइए तो अगर हम लोग अपने गांव में कैसे इसको ठीक करें कि साहब एक जन जन का आंदोलन बने टीच योर बारबर एंड टीच योर फ्रेंड्स स्पाउस चिल्ड्रन के भाई मेरे तिल है मेरे मस्सा है ठीक है सर बात ये तो गांव में पहुंच सकती है अब हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए सर सबसे इंपॉर्टेंट है यार कोई फर्क नहीं पड़ता फैट है तो क्या फर्क पड़ता है पर ये एक अलार्म है मैंने आपको कोशिश करी बताया कि साहब एक ये लिवर फैट इज एन अलार्म और ये सब डिपेंड करता है कि आप सुबह दिनचर्या कैसे रखते हैं दिनचर्या का मतलब है कि आप अपने भोजन और अपने कार्य पे अनुशासन रखते हैं मैं सही गलत तो नहीं बोल रहा सर दिनचर्या का मतलब है कि आप एक अनुशासित जीवन जी रहे हैं एक अनुशासित जीवन में दिनचर्या होती थी कि साहब मुहूर्त से दो घंटा पहले उठिए आप जाकर के ये व्यायाम करिए और ये सब डिपेंड करता है दूसरा आपका आहार क्या है जैसा आहार है वैसे बन जाते हैं वॉट यू ईट तामसी राजसी जो भी है आप क्या खाते हैं कितनी बड़ी प्लेट है आपकी कितनी बार डालते हैं और कब खाते हैं रात दस बजे खा रहे हैं वो खाना बहुत खराब है रात शाम छः बजे जैनीज या जो भी और लोग हैं सात बजे खा लें बहुत वही अमाउंट आपको नुकसान देगा मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके माध्यम से ये एटीट्यूड बदल जाए डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी सर नेक्स्ट तो इस सब के बाद ये तो नहीं कहिएगा कि आई हैव नो टाइम फॉर लिवर एक इम्पॉर्टेंट है इसके लिए लिवर के लिए टाइम रखें नेक्स्ट प्लीज और मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री को पिछले साल 21 फरवरी को भारत दुनिया का पहला राष्ट्र बना जिसने फैटी लिवर को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में शामिल कर लिया सर। और इसके लिए एक बार और बजा दें साहब आह्वान हो जाए क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री का ये और इसकी अगली स्लाइड जो है नेक्स्ट प्लीज ये स्लाइड में एक ही कंट्री रेड में है वो है भारत सिर्फ एक डिजीज में सिर्फ एक डिजीज में भारत नंबर वन है दुनिया में प्रिपेयर्डनेस में कि हम सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं वो फैटी लिवर के अंदर है तो विद दिस इनिशिएशन सर इंडिया बिकेम न्यूमरो उनो यूके के 42 नंबर हैं भारत के 48 नंबर हैं किसी और कंट्री और 32 कंट्री के ज़ीरो हैं सर तो उस हिसाब से नेक्स्ट प्लीज अब लास्ट पार्ट जो मेरा है वो है सर वायरसेस का जिसका वर्ल्ड हेपेटाइटिस ये दूसरा भाग है और इसमें मैं चाहूँगा और मैं बहुत आ, खुश होंगे सर, साहब भंडारी साहब जस्टिस दलवीर भंडारी साहब पधारे यहाँ पे और आपका भी साहब इसमें बहुत योगदान है सर नेक्स्ट प्लीज पांच तरह के वायरस हैं सर हेपेटाइटिस छोटी इंगली ये ए वायरस बच्चों में ई e वायरस बड़ों में बी सी और डी खून के द्वारा नेक्स्ट प्लीज भारत में करीब करीब तीस करोड़ तीस लाख लोगों को हेपेटाइटिस बी और सॉरी करीब थर्टी मिलियन को हेपेटाइटिस बी तीन, तीन करोड़ को और करीब सत्तर लाख को हेपेटाइटिस सी की बीमारी है और तीन परसेंट लोग उससे मर जाते हैं पर ये सारा हेल्थ मिनिस्ट्री साहब बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम में पर मैं आगे बात बताऊं आपको नेक्स्ट ये हेपेटाइटिस बी माँ से बच्चे को जाती है सर बाकी सारी जगह ब्लड इतना सेफ है कि वो बच्चों में Uh, मतलब आप खून चढ़वाएं तो आपको सेफ ब्लड मिलेगा बट मदर बेबी ट्रांसमिशन कैन नॉट बी स्टॉप बट कैन यू चूज योर मदर आप तो पैदा हो गए कैन यू से साहब मुझे यहां पैदा नहीं होना चाहिए तो वो नहीं पॉसिबल है बिकॉज यू आर ट्वेंटी ईयर ओल्ड तो उस बच्चे को उस आदमी को जो 20-30 साल का है जो मां से लेकर के आया है उसको आप पनिश कर रहे हैं उस व्यक्ति को जीवन भर दुख मिल रहा है नेक्स्ट प्लीज देखिए और आप अपनी संवेदना इन लोगों के साथ जोड़िए जो ये जिंदगी रोज जी रहे गुड इवनिंग सर सर आई हैस

पर एज अ मेडिको सर हम अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ से या फ्यूचर से इन्फेक्ट हो सकते हैं तो सर हमें क्यों बोला गया ऐसा कि आप अपना क्लिनिकल ब्रांच नहीं ले सकते हमारी शादी के छः महीने हुए थे उसके बाद से ही सर सर उसके बाद से ही ये हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो गया था तभी पता चला कि अल्ट्रासाउंड कराया जाए जब एल्ट्रासाउंड कराया तो उसके बारे में सलाह दी गई थी सर्जरी के बारे में फिर वहाँ पे ब्लड टेस्ट हुए तब जाके हम सबको पता चला था और फिर सीधे कानपुर रेफर कर दिया गया और वहाँ पे सारे टेस्ट हुए थे और फिर ससुराल वालों ने उन्हें इतना जहन में बैठा लिया कि कि ये कभी ठीक नहीं होगी आगे हमारा कैसे वंशज चलेगा और सर जहन इतना तब जो ख़राब हो गया था सर कि सिवाय हम लोगों को रोना ही आता था और वो अपने आप जो भी दिखाया, घर पे सिवा कुछ नहीं दिखता था इधर उधर से बातें होती थी और आज भी भी हम घर पे ही हैं, हैं। अपने में है। अभी कोई भी कोई उधर से से नहीं आ रहा है। ब्लड डोनेशन के बाद मेरे को एक हॉस्पिटल फोन आया और मुझे हॉस्पिटल में बुलाया गया और बताया गया कि मैं Kumar, मैं हूं. मुझे ये बात 2012 में पता चली थी जब मेरी मेरी सिस्टर को प्रेगनेंसी प्लान हुई थी उनकी डॉक्टर ने हमें कहा कि आपको अपनी फैमिली को स्क्रीन कराना पड़ेगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन पॉजिटिव है मैं मेरी बहन और मेरी मदर पॉजिटिव निकले ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन था हेपेटाइटिस बी को लेके मेरे साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन आज कुछ हुआ नहीं पर मुझे एक जॉब से रिजेक्ट किया गया था वो जॉब मेरा सपना था मैं हेपेटाइटिस बी की पेशेंट मेरे अंदर स्टोन था और हम सर्जरी के लिए जा रहे थे ये 2016 की बात है ब्लड सैंपल लिए गए थे उसमें टेस्ट हुए थे तो जाके हमें हेपेटाइटिस बी पता चला इससे पहले हमें कुछ नहीं पता था कि ये होता क्या है ऐसा समझिए कि ये तूफान सा आ गया है सब लोग घबरा गए थे ससुराल में सिक्स शादी के सिक्स मंथ बाद ही ये सब पता चल गया था ये क्या ये बहुत जानलेवा बीमारी है एक दूसरे से अटैच में आने से बीमार हो जाते हैं इन्फेक्शन हो जाता है वायरस फैलता है ये सब दूर दूर रहना चाहिए इनको इनके बच्चे बच्चों में आगे फैल सकता है इन, इनके बच्चे नहीं हो सकते हैं इसकी वजह से हम चार साल अब कभी माँ के घर पे कभी ससुराल में करके हमने चार साल बुझा हेलो गुड इवनिंग मैं थर्टी टू ईयर्स की हूँ और मेरी शादी को सिक्स ईयर्स होने वाले हैं नवम्बर में और मुझे शादी के बाद पता चला कि मेरे हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी है और ये बात मुझे शादी से पहले नहीं बताई गई थी तो मुझे उस टाइम पे जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा भी आया और फ्रस्ट्रेशन भी हुआ कि अभी क्या करें मेरा नाम महर्षि दवे है और मैं यूएस में पीएचडी स्टूडेंट हूँ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट हूँ जो हेपेटाइटिस बी का जब पता चला था वो ईयर था टू एक्चुअली टू में मुझे

यही चीज की वजह से ओनली निगलेक्ट किया जाता था कि ये लड़का स्कॉलर है कुछ भी है पढ़ा लिखा है पर वो परिपेटाइटिस बी है तभी मुझे शादी करनी है अगर मीन्स जो भी लड़की मुझे एक्सेप्ट करे वो हिपेटाइटिस बी के साथ ही एक्सेप्ट करे उन्नीस सौ बयासी में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना को ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में साठ बोतल खून चढ़ाए गए खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इंफेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा एक चौथाई लिवर ही बचा है लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं मैं दरख्वास्त करूंगा पहले पिछले वर्ष जब बिरला साहब ने प्रोग्राम में किरण रिजिजू साहब को और माननीय मंडाविया मंदा, साहब को बुलाया था तो ये कहा था कि साहब इस साल हम एक लॉ लेकर आएंगे जिससे इन लोगों को बचाव हो जाए इनका सेम राइट्स मिल जाए हेपेटाइटिस बी वालों को हेपेटाइटिस सी वालों को तो एक ड्राफ्ट प्रपोज़ल के रूप में मैंने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी प्रपोज किया है आप सब लोग नियम सुझाते हैं नियम बनाते हैं नियम चलाते हैं इन लोगों की आवाज़ को एक नियम के थ्रू उनको एक जज्बे के साथ में उनको वो सम्मान दे दें जो हम सबको मिला है जिनकी कोई गलती नहीं है जिनकी कोई गलती नहीं है मां से पैदा हो गया या खून से उनको वायरस आ गया ऐसे चार पाँच करोड़ लोगों के लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय ओम बिरला जी साहब से जिन्होंने इसको एक मिशन की तरह पेट्रोनेज दी है मैं वो आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर साहब सबसे के साहब इसको एक नियम बनाएं आप लोगों के प्रयास से भारत दुनिया का छठा देश बन सकता है पांच में ये नियम है कि इन लोगों को राइट्स दिए जाए इन सबके साथ हेल्दी लिवर एंड हेल्दी इंडिया थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच